Hello dear students, before we start today's lesson, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will read chapter number 12, Africa. So Africa is the second largest continent on Earth. So Africa, Earth pe second largest continent hai. It occupies a total area of 3,221,532 kilometers square. तो ये अफ्रीका का एरिया है जो अफ्रीका कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, इक्विवेलेंट टू 1/5 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, जो अर्थ के लैंड सरफेस का 1/5 है, पांचवा हिस्सा है. इन द 19th सेंचुरी अफ्रीका वाज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनी एक्सप्लोरर्स. हाउएवर ड्यू टू डिफिकल्ट फिजियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशंस मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट रिमेन अनडिस्कवर्ड. तो 19th सेंचुरी में अफ्रीका एक्सप्लोरर्स के लिए एक इंटरेस्ट का टॉपिक था, बट कुछ फिजियोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशंस की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट थी, इसका जो लार्ज पार्ट था वो अनडिस्कवर्ड ही रहा. द प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स इन रिवर्स, एक्सटेंसिव इक्विटोरियल फॉरेस्ट्स, स्वैम्पी लैंड्स एंड डेंजरस सेट्स ऑफ फ्लाइज एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स मेड द एक्सप्लोरेशन ऑफ अफ्रीकन लैंड्स इवन मोर चैलेंजिंग. तो क्यों ये अनडिस्कवर्ड रहा? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइजनस स्नेक्स इंसेक्ट्स भी थे, स्वम्पी लैंड्स भी थे और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें भी थी, उसी वजह से इसको डिस्कवर करना डिफ़िकल्ट था. नॉनदलेस अ फ्यू एक्सप्लोरर्स लाइक डेविड लिविंगस्टोन, मंगो पार्क एंड हेनरी मॉर्टन स्टैनली ओपन अफ्रीका टू द आउटसाइड वर्ल्ड. बट फिर भी कई ऐसे एक्सप्लोरर्स थे जिनकी वजह से अफ्रीका आउटसाइड वर्ल्ड को, अफ्रीका के बारे में पता चला कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अफ्रीका ओपन हुआ. दे डिस्कवर्ड मैनी प्लेसेस इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका लाइक द विक्टोरिया फॉल्स, कॉन्गो, नाइजर रिवर्स. तो उन्होंने अफ्रीका में ये सब चीज़ें डिस्कवर की. सच एक्सप्लोरेशंस ग्रेजुअली लेड टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका बाय मैनी यूरोपियन पावर्स. तो इसी वजह से मैनी यूरोपियन पावर्स ने वहाँ पे कॉलोनलिज्म शुरू कर दिया. इन द लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका लुक टुक बैक द कंट्रोल ऑफ देयर लैंड्स एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोप ने जो अफ्रीका पे कब्जा किया हुआ था, उसको अफ्रीकन लोगों ने फिर से अपने हाथ में ले लिया और उन्हें इंडिपेंडेंस मिला. लोकेशन, अफ्रीका ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द वर्ल्ड मैप. तो वर्ल्ड मैप में अफ्रीका को सेंट्रल पोजीशन मिली है, वर्ल्ड मैप के ये बिल्कुल सेंटर में है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से मिडल में इक्वेटर पास करता है. एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ अफ्रीका लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, हेंस इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट. तो क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बिल्कुल पास में लाई करता है, इसलिए ये हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट भी है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास थ्रू अफ्रीका इन द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अफ्रीका के नॉर्थ में पास करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो अफ्रीका के साउथ में पास करती है. द प्राइम मेरिडियन आल्सो पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट. और इसी कॉन्टिनेंट में प्राइम मेरिडियन भी पास करती है. बाउंड्रीज, द मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर्स अफ्रीका इन द नॉर्थ. तो अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी है. एंड द स्विस कैनल एंड द रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट. और इसके नॉर्थ ईस्ट में स्विस कैनल एंड रेड सी है. द इस्थमस ऑफ स्विस लाइंग बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी कनेक्ट द कॉन्टिनेंट टू एशिया. तो जो इस्थमस ऑफ स्विस है, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बिचकार में लाई करता है, वो अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करता है. इन द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका इज़ कनेक्टेड टू यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. तो जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है वो अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करती है. द इंडियन ओशन lies to the southwest of the continent, the Atlantic Ocean to the west and Southern Ocean to the south. तो जो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट है उसके साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन है,
उसकी वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और साउथ में साउथर्न ओशन है। अफ्रीका ऑल्सो कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आइलैंड्स एंड आर्कियोपेलालॉग्स। तो अफ्रीका में बहुत सारे आइलैंड्स और आर्कियोपेलालॉग्स हैं। अमंगस्ट दीज मेडागास्कर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका नाम मेडागास्कर है, वो भी अफ्रीका में ही है। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द केप ऑफ गुड होप। और जो इसकी साउथर्न मोस्ट टिप है उसका नाम केप ऑफ गुड होप है। पॉलिटिकल डिविजन्स, अफ्रीका कंप्राइजेस 54 कंट्रीज। तो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज हैं। द अफ्रीकन यूनियन इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स 55 नेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो अफ्रीका की 55 नेशंस को रिप्रेजेंट करती है। दिस बॉडी टेक्स कलेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग द रीजन्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंसर्न्स। तो ये अफ्रीका के रिलीजन, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल मैटर्स के बारे में डिसीजंस लेती है। द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड देयर कैपिटल्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल में कंट्रीज और उनकी कैपिटल दी हुई है, जैसे एंगोला की कैपिटल है लुएंडा, बोट्सवाना की कैपिटल है गैबोरोने, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, एथियोपिया की कैपिटल है आडिस अबाबा, लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हारारे। द हाईलैंड्स, देयर आर फ्यू स्कैटर्ड माउंटेंस इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। द मेजर माउंटेन रेंजेस आर द एटलस माउंटेंस एंड इथियोपियन हाईलैंड्स। तो हाईलैंड्स क्या होते हैं, माउंटेंस जो अफ्रीका में है। तो उनमें से दो जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन कौन सी है, एटलस माउंटेंस एंड इथियोपियन हाईलैंड्स। तो सबसे पहले वी विल रीड अबाउट एटलस माउंटेंस। द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन अफ्रीका रन इन अ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन रेंज लार्जेस्ट इन द कॉन्टिनेंट। और ये कॉन्टिनेंट के सबसे लार्जेस्ट माउंटेंस हैं, स्ट्रेचिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर। तो इनका जो डिस्टेंस है कितना है, 2500 किलोमीटर थ्रू द कंट्रीज ऑफ मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनीजिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये अफ्रीका की कंट्री से लेके मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीजिया की कंट्रीज तक इतना डिस्टेंस कवर करते हैं। माउंट टॉपकल इज द हाईएस्ट पीक एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4167 मीटर लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट मोरक्को। तो एटलस माउंटेंस की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट टॉपकल। नाउ लेट्स रीड अबाउट लो सेंट्रल प्लेटो। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट टू द नाइल वैली इन द ईस्ट। तो ये एटलांटिक कोस्ट से लेके नाइल वैली तक लो सेंट्रल प्लेटोज ही हैं। द लो सेंट्रल प्लेटो इन अफ्रीका कंप्राइज ऑफ न्यूमरस एरिड लैंड्स और डेजर्ट्स इंक्लूडिंग द सहारा डेजर्ट। तो लो सेंट्रल प्लेटो में क्या आ जाता है, न्यूमरस एरिड लैंड्स और डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स में इनमें जो इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट, अ डेजर्ट इज एनी रीजन दैट रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन एनुअली। तो डेजर्ट कौन सा रीजन होता है, वो सारा रीजन जिसमें एनुअली पूरे साल में सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हो, जहाँ प्रेसिपिटेशन हो। द सर्फेस ऑफ डेजर्ट कैन देयरफॉर बी सैंडी, स्टोनी और रॉकी। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, तो डेजर्ट का जो सर्फेस है वो सैंडी, स्टोनी और रॉकी हो सकता है और होता भी है। द डेजर्ट लैंडस्केप इज एग्जाम्पलीफाइड बाई द सहारा। इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल। तो जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट भी है और थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है ओवरऑल आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। तो एंटार्क्टिका और आर्कटिक ओशन, आर्कटिक डेजर्ट के बाद सहारा डेजर्ट थर्ड नंबर पे आता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एटलांटिक इन द वेस्ट टू रेड सी इन द ईस्ट। तो ये इसकी लोकेशन क्या है कि ये एटलांटिक के वेस्ट से लेके रेड सी के ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ रफली 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसका जो एरिया है वो 8.6 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, कवरिंग प्रैक्टिकली द होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। और ये
प्रैक्टिकली नॉर्थ अफ्रीका को सारे को कवर कर लेता है। द सहल, सहल इज़ अरेबिक फॉर शोर और बीच। तो जो सहल है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शोर या बीच। इट फॉर्म्स अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एरिड सहारा इन द नॉर्थ एंड ह्यूमिड सेवना इन द साउथ। तो ये एक जोन है जो किस किस के बीच बीच में आता है, द एरिड सहारा और सेवना के बीच में। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका। तो इसकी लोकेशन क्या है, ये वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में लाइक करता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेनेगल इन द वेस्ट टू सूडन इन द ईस्ट। और इसके जो वेस्ट में सेनेगल है और ईस्ट में सूडन है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5,300 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। और इसका डिस्टेंस 5,300 किलोमीटर्स होता है अप्रॉक्सीमेटली। रिवर्स, मोस्ट रिवर्स ऑफ अफ्रीका फ्लो थ्रू द प्लेटोज ऑफ देयर अपर कोर्सेज, इन देयर लोअर कोर्सेज दे डिसेंड इनटू द कोस्टल प्लेन्स। तो जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं अफ्रीका की वो अपनी प्लेटोज के अपर कोर्सेज में फ्लो करती हैं, जबकि इन लोअर कोर्सेज में वो क्या करती हैं, वो कोस्टल प्लेन्स में डिसेंड हो जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स हाउएवर मेक देम डिफ़िकल्ट टू नेविगेट। तो जब उनमें वाटरफॉल्स और रैपिड्स होते हैं तो उन्हें नेविगेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाइल इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर का नेम है नाइल। इट फ्लोज नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका टू द मेडिटेरेनियन सी। तो ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका से मेडिटेरेनियन सी में फ्लो करती है। इट्स सोर्स इज़ लेक विक्टोरिया। तो नाइल रिवर का सोर्स कौन सा है, लेक विक्टोरिया, विच लाइज इन द रेनी इक्वेटोरियल रीजन। और वो एक रेनी रीजन में लाई करता है। एज सच नाइल इज़ पेरेनियल एंड रिसीव्स वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब क्योंकि वहाँ पे रेनी रीजन है तो जो नाइल रिवर है उसको वाटर मिलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। द सेकेंड रिवर वी विल रीड इज़ कॉन्गो। कॉन्गो इज़ अफ्रीका सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। तो अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल के बाद कौन सी है, कॉन्गो। इट डिस्चार्ज मोर वाटर देन द नाइल एंड इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और ये नाइल से ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज करती है और डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। द कॉन्गो रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू द सेंट्रल अफ्रीका। और ये सेंट्रल अफ्रीका के वेस्टवर्ड पार्ट में फ्लो करती है। केस स्टडी, कोकोआ कल्टिवेशन इन घाना। घाना इज़ अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री डेट लाइज अलॉन्ग द शोर्स ऑफ गल्फ ऑफ गिनी। तो जो घाना है वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो गल्फ ऑफ गिनी के शोर्स में लाई करती है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कोकोआ लैंड। अब जो ये घाना है इसी को बोला जाता है कोकोआ लैंड। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ कोकोआ हियर विच प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। अब इसको कोकोआ लैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोकोआ को कल्टिवेट किया जाता है लार्ज स्केल पे। और ये जो कोकोआ है इज़ इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट फॉर चॉकलेट। कोकोआ क्या है, इससे चॉकलेट्स बनती है। और कोकोआ ही जो घाना है उस कंट्री की इकॉनमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस, द कोकोआ ट्री रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो कोकोआ ट्रीज हैं उनको हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। एन एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ 24 to 28 डिग्री सेल्सियस इज़ आइडियल। तो मंथली टेम्परेचर में उनको जो टेम्परेचर ट्रीज़ को चाहिए होता है वो 24 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में आइडियल होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 125 to 150 सेंटीमीटर दैट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और उनको रेनफॉल भी रिक्वायरमेंट होता है, रेनफॉल उनको 125 to 150 सेंटीमीटर चाहिए होता है। कोकोआ इन घाना, कोकोआ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू घाना इन 1895। तो कोकोआ को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1895 में। द कंट्री इज़ नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ कोकोआ। तो अब ये कंट्री जो कोकोआ है उसकी मेजर प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में आती है, अलॉन्ग विद अदर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज सच एज नाइजीरिया, द आइवरी कोस्ट एंड कैमरून।
और इसके अलावा वो वाली कंट्रीज़ जहाँ पे कोकोआ को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट किया जाता है वो कंट्रीज़ है नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट और कैमरून। कोकोआ कल्टीवेशन इन घाना इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द टाउन्स ऑफ एक्रा, कुमासी, द टैकोराडी। बिसाइड्स द कोस्टल रीजन्स द प्लांट इज ऑल्सो ग्रोन इनलैंड ड्यू टू सूटेबल क्लाइमेटिकल कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड अबंडेंट लेबर। तो इसके अलावा इनको अलग अलग टाउन्स में जो है कल्टीवेट किया जाता है, उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे लेबर चीप होती है और अबंडेंट भी होती है। कोकोआ इज़ बेस्ट ग्रोन ऑन फॉरेस्ट लोलैंड्स। कोकोआ की बेस्ट कल्टीवेशन फॉरेस्ट लोलैंड्स में होती है। इट इज़ कल्टीवेटेड इन लार्ज एस्टेट्स एज वेल एज स्मॉल होल्डिंग्स, और इसको लार्ज एस्टेट्स और स्मॉल होल्डिंग्स दोनों में ही कल्टीवेट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश पासिस थ्रू द मिडल ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के मिडल में कौन पास करता है? इक्वेटर। द अफ्रीकन यूनियन इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स 55 नेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की 55 नेशंस को रिप्रेजेंट करती है? वो है अफ्रीकन यूनियन। द एटलस माउंटेंस आर स्प्रेड अक्रॉस मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनीसिया। तो जो एटलस माउंटेंस हैं वो ही मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीसिया, इन सभी कंट्रीज में स्प्रेड हुए। लेक विक्टोरिया इज़ द सोर्स ऑफ रिवर नाइल। तो रिवर नाइल का जो सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया। गाना इज़ अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री डेट लाइज अलॉन्ग द शोर्स ऑफ गल्फ ऑफ जीनिया। तो गाना जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है वो गल्फ ऑफ जीनिया के शोर में लाई करती है। नाउ लेट्स मैच। हियर वी हैव द नेम ऑफ स्टेट्स एंड हियर आर द कैपिटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगोला। एंगोला की जो कैपिटल है वो है लुएंडा। बोट्सवाना की कैपिटल है गैबोरोनी। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। एथियोपिया की कैपिटल है आडिस अबाबा। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अफ्रीका ऑक्यूपाइज एन एरिया इक्विवेलेंट टू 2/5 ऑफ वर्ल्ड्स अर्थ्स लैंड सरफेस। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि अफ्रीका जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वो 1/5 होता है अर्थ के लैंड सरफेस का, ना कि 2/5। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू अफ्रीका इन द नॉर्थ। दिस इज़ ट्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका के नॉर्थ से ही पास करती है। द एटलस माउंटेंस आर यंग फोल्ड माउंटेंस। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। लेक विक्टोरिया इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट रिफ्ट वैली। दिस इज़ फॉल्स, जो लेक विक्टोरिया है वो ग्रेट रिफ्ट वैली में लोकेटेड नहीं है। इन घाना कोकोआ इज़ बेस्ट ग्रोन ऑन फॉरेस्ट लोलैंड्स। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि घाना में जो कोकोआ है वो बेस्ट कहाँ पर ग्रो करता है, कल्टिवेट होता है? फॉरेस्ट लोलैंड्स में। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। विच वाटर बॉडी बॉर्डर्स अफ्रीका टू द नॉर्थ। तो कौन सी वाटर बॉडी से अफ्रीका नॉर्थ से कनेक्टेड है? मेडिटेरेनियन सी से। नाउ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया की कैपिटल कौन सी है? ट्राइपोली। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द एटलस माउंटेंस। एटलस माउंटेंस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट टॉपकल। विच फिजिकल फीचर्स फॉर्म्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ एंड सेवनाज इन द साउथ। तो कौन सा फिजिकल फीचर है जो ट्रांजिशन बनाता है इन दोनों के अंदर? वो है द सहल। इन विच ईयर कोकोआ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन घाना। तो सबसे पहले कोकोआ को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1895 में। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय इज घाना ऑल्सो रेफर्ड टू एज कोकोआ लैंड। घाना को कोकोआ लैंड क्यों बोला जाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ कोकोआ इन घाना विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो क्यों उसको कोकोआ लैंड बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल कल्टीवेशन होती है कोकोआ की। कल्टीवेशन मतलब ग्रो किया जाता है कोकोआ वहाँ पे, और कोकोआ वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की बाउंड्रीज के बारे में बताओ। द मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर्स अफ्रीका इन द नॉर्थ। तो अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है एंड द स्विस कैनल एंड द रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसके नॉर्थ ईस्ट में स्विस कैनल और रेड सी है। द इस्थमस ऑफ स्विस लाइंग बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड रेड सीज कनेक्ट द कॉन्टिनेंट टू एशिया। तो इसी कंट्री कॉन्टिनेंट को एशिया से कनेक्ट क्या करता है? इस्थमस। इस्थमस जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीचकार में लाए करता है वो कॉन्टिनेंट को एशिया से कनेक्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द एटलस माउंटेंस। एटलस माउंटेंस के फीचर्स बताने हैं।
The Atlas Mountains in the northwestern Africa run in a northeast to southwest direction. Atlas Mountains जो अफ्रीका के northwestern part में हैं वो northeast से southwest direction में जाते हैं. These are Young Fold Mountain Range. और ये क्या है? Young Fold Mountain Range है और largest in the continent है. मतलब ये जो mountains हैं ये largest हैं continent में. Stretching for a distance of almost 2,500 kilometer. और ये distance कितना cover करते हैं? मतलब कितने एरिया में है? 2,500 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. और ये है कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. सो डेट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.